अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक्स देखी थी। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, और C++ में हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम कंस्ट्रक्टर्स को देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपको कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराने के लिए अलग से डॉट ऑपरेटर के साथ कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं होती। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम बिल्कुल सेम होता है। तो ये क्लास का ऐसा मेंबर फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कंस्ट्रक्टर को मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए। एक क्लास ले लेते हैं ए, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रही हूँ और जिसमें मैं सी आउट करा रही हूँ हेलो, ठीक है। अब ये देखें, मेरे कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो सेम वही नेम है जो कि क्लास का है और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर में पास करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए, ठीक है। ये मेरी क्लास है। अब मैं मेन के फंक्शन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है। ये A1 के नेम से मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें, ओके, हमने जो है ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने पब्लिक नहीं किया। सो हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक जो है वो डिफाइन कर देते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट भी इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सके। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखें हेलो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखें, इस कंस्ट्रक्टर को मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल भी नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही से एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ऐसा फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्टर में मेंबर वेरिएबल की वैल्यूज को सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसी क्लास के अंदर एक इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ i, इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं i की वैल्यू को 1 सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप एक और फंक्शन डिफाइन करें शो का, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी आउट करा रही हूँ वैल्यू ऑफ i इज आई, और मेन में हमने उसी क्लास का जो है वो A1 के नेम से ऑब्जेक्ट बनाया है। और अब हम इस शो के फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल के लिए हमें पता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नेम। अब इस प्रोग्राम को रन करें तो वैल्यू ऑफ आई इज 1, i की वैल्यू जो है वो 1 सेट हो चुकी है। कब सेट हुई है? जैसे ही हमने a क्लास का ऑब्जेक्ट a1 बनाया है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और इसने i की वैल्यू को जो है 1 असाइन कर दी है। और इसलिए जब हमने शो का फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हमें i की वैल्यू प्रिंट होके शो होगी। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, राइट ए क्लास दैट कंटेन्स टू इंटीजर डेटा मेंबर्स व्हिच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट हैज मेंबर फंक्शन एवरेज दैट डिस्प्लेज द एवरेज ऑफ मेंबर फंक्शंस। अच्छा, अब इस क्लास में हमें जस्ट ये गिवन है कि हमने 2 इंटीजर डेटा मेंबर्स लेने हैं जो कि इनिशियलाइज हो जाए 100 से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो हमें पता है कि हम
कंस्ट्रक्टर यूज करके उन मेंबर्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं 100 से, ठीक है। उसके बाद हमने एक एवरेज का फंक्शन बनाना है और उन्हीं दोनों वेरिएबल्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। इस प्रोग्राम को हम अटेम्प्ट करते हैं। ओके, क्लास का नेम ए ही ले रही हूँ मैं फिलहाल। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लेने हैं, ए एंड बी, ठीक है। ये दो मैंने मेंबर वेरिएबल्स ले लिए हैं ए के। अब कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा क्लास वाला। कंस्ट्रक्टर में आप इन दोनों की वैल्यूज को सेट कर रहे हैं इक्वल्स टू 100। और नेक्स्ट एक आपके पास एवरेज का फंक्शन है जिसमें आप एवरेज वैल्यू इन दोनों की प्रिंट करा रहे हैं। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये आपने दोनों एक कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, मेंबर वेरिएबल्स भी डिफाइन कर दिए। अब मेन में आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ए वन के नेम से, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो मैं एवरेज का फंक्शन कॉल करूँगी, ठीक है। अब अगेन हमें जो है वो कंस्ट्रक्टर और इसको एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ पे इसको पब्लिक डिफाइन कर दिया। अब आप इसको रन करें, टर्मिनेटर मिसिंग है, तो आपको उसने जो है वो एवरेज वैल्यू प्रिंट करके दे दी है। जाहिर है 100 प्लस 100 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 100 ही एवरेज वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे भी जब आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है ए वन, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया और इसने इन मेंबर वेरिएबल्स में ए और बी में वैल्यू सेट कर दी हैं जो कि इक्वल्स टू 100 है। और उसके बाद आपने एवरेज के फंक्शन में उन्हीं दोनों वेरिएबल्स का को ऐड करके आपने डिवाइड बाय 2 करके उनकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके प्रिंट करा दी है। यहाँ पे देखें, एवरेज का फंक्शन आपको डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करना पड़ा है, जबकि कंस्ट्रक्टर आपका खुद ही एग्जीक्यूट हो गया जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट ए क्लास दैट हैज डेटा मेंबर्स ग्रेड एंड मार्क्स। अ कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स इनिशियलाइजेस डेटा मेंबर्स विद गिवन वैल्यू एंड मेंबर फंक्शन शो डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स होगा। ओके, नाउ क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले वैल्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे हमें गिवन है कि हमने जो है वो डेटा मेंबर्स लेने हैं ग्रेड एंड मार्क्स, और कंस्ट्रक्टर में हमने दो पैरामीटर्स पास कराने हैं और ग्रेड और मार्क्स की वैल्यू को सेट करना है। और उसके बाद हमने एक शो का फंक्शन बनाना है जो कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू को शो करेगा, और एट द एंड हमने टू ऑब्जेक्ट्स बना के उनका डाटा डिस्प्ले कराना है। ओके, हमें क्लास का नेम गिवन है? नहीं, इसमें भी गिवन नहीं है। हम क्लास का नेम जो है वो ए ही रहने देते हैं। ये क्लास के बाद टर्मिनेटर आपने मस्त लगाना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर टाइप का ग्रेड वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और साथ में हमारे पास क्या था, मार्क्स, और इंटीजर टाइप के हमने मार्क्स ले लिए। अच्छा, यहाँ पे हम जो है अब क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट्स गिवन हैं, तो हम जो कंस्ट्रक्टर लेंगे उसके अंदर हम दो आर्गुमेंट्स लेंगे, एक कैरेक्टर टाइप का जी एंड int m, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप मेंबर वेरिएबल्स को जो आपने आर्गुमेंट पास कराए हैं वो वाली वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। नेक्स्ट आप शो का फंक्शन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे आप सी आउट करा रहे हैं
ग्रेड इज ग्रेड मार्क्स इज और यहाँ पे हम मार्क्स को प्रिंट करा रहे हैं. ओके ये हमारा शो का फंक्शन भी हो गया. अब हम मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. अब जब आपके कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होते हैं तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही उन पैरामीटर की वैल्यू पास करानी होती है. ठीक है, तो अब हम जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए वन, अब यहाँ पे आपने उन दोनों पैरामीटर की वैल्यू पास करानी है जो आपके कंस्ट्रक्टर में गिवन है. तो हम एक कैरेक्टर वैल्यू पास करा देते हैं बी और हम मार्क्स को इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं 80. ठीक है, नेक्स्ट हम शो का फंक्शन कॉल कर लेते हैं. यहाँ पे हम पहले सी आउट भी करा लेते हैं. फर्स्ट स्टूडेंट एंड नेक्स्ट हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दूसरे स्टूडेंट के लिए जिसका हमने नेम A2 रखा है और यहाँ पे हमें अब आर्गुमेंट पास कराने हैं. तो मैं यहाँ पे B एंड 90 पास करा रही हूँ और नेक्स्ट मैं शो का फंक्शन कॉल कर रही हूँ विद A2 ऑब्जेक्ट. ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे भी एक ऐसी सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं. पे हम फर्स्ट को सेकंड से चेंज कर लेते हैं. ओके, सो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. ओके, हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिफाइन किया, इसको हमने पब्लिक कर दिया. ओके, सो आप देखें फर्स्ट स्टूडेंट का जो हमने पैरामीटर में वैल्यूज पास कराई थी वो ग्रेड को और मार्क्स को वही वैल्यूज असाइन हुई हैं और सेकंड स्टूडेंट के लिए हमने जो ग्रेड और मार्क्स की वैल्यू असाइन की थी वो सेकंड स्टूडेंट के ग्रेड और मार्क्स को असाइन हो गई. अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इसमें आपने कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स यूज किए. ठीक है, जिसमें आपके पास जो आपने पिछली एग्जांपल देखी थी उसमें आपने कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया था, उसको आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. इसमें आप जो हैं वो टू आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, एक आपके पास कैरेक्टर टाइप है और एक आपके पास इंटीजर टाइप है. अब जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है A1 तो आपने साथ उसी ऑब्जेक्ट के उस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स भी पास करा दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट वैल्यूज पास करा दी हैं बी और 80. अब ये बी जो है वो आपके यहाँ पे जी कैरेक्टर को असाइन हो जाएगा और 80 जो है वो आपके इस एम इंटीजर को असाइन हो जाएगा. अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप जी की वैल्यू को जो आपका मेंबर वेरिएबल ग्रेड है उसको असाइन कर रहे हैं और जो एम आपके पास मार्क्स की वैल्यू आई है वो आप मेंबर वेरिएबल मार्क्स को असाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट आप शो में उन्हीं दोनों मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को शो कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के केस में आपके पास बी और 80 असाइन होगा ग्रेड और मार्क्स को. इसी तरह जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो आपने पैरामीटर्स पास किए हैं वो भी इसी तरह कंस्ट्रक्टर में जाके इधर पे असाइन होंगे और इसी तरह आपने वो वाली वैल्यूज मेंबर वेरिएबल्स ग्रेड और मार्क्स को असाइन की है और अब आपके जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी. तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं. इसी प्रोग्राम में हम एक और चीज देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट्स लेती हूँ और मैं यहाँ पे मैं ग्रेड को जो है वो F असाइन कर रही हूँ और मार्क्स को 0 असाइन कर रही हूँ. अब यहाँ पे देखें मैंने इस क्लास के
क्लास ए के दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक विदाउट आर्गुमेंट है और एक विद आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब अगर तो आप ऑब्जेक्ट में पैरामीटर्स पास कराते हैं, ठीक है, वही पैरामीटर्स जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो फिर आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप विदाउट पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, यहाँ पे अब आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए टू, और इसके साथ आप कुछ भी कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते, और हम यहाँ पे शो का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब ए टू के केस में आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें आप कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करा रहे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखें जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसमें हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, उसने ग्रेड और की वैल्यू जो है वो बी और मार्क्स की वैल्यू 80 असाइन हो गई जो हमने वैल्यूज उसे पास की थी। और जो ऑब्जेक्ट हमने जिसके साथ हमने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए थे उस केस में हमारा नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है और उसने वैल्यूज जो हैं वही असाइन की हैं जो हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस को आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, एक ही कंस्ट्रक्टर में आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ आप उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने दो आर्गुमेंट्स लिए हैं, तो ये आपके पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अगर आप पैरामीटर्स की वही लिस्ट पास कराएंगे जो आपने अपने कंस्ट्रक्टर में मेंशन की हुई है तो आपका आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो है आपने विदाउट आर्गुमेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है तो आपका विदाउट आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हम इवन एक और कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें मैं सिर्फ जो है वो मार्क्स ले रही हूँ, ठीक है, एन कर रही हूँ, सिर्फ जो है मैं एन पास करा रही हूँ। ग्रेड में मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो ए ले लेती हूँ वैल्यू, ठीक है, मैं ए की वैल्यू वहाँ से पास नहीं करा रही, मैं मार्क्स की वैल्यू पास करा रही हूँ और मार्क्स में जो है मैं यहाँ पे एन असाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया जिसका सिर्फ जो है वो एक आर्गुमेंट है, इंटीजर वैल्यू। अब मैं एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ ए थ्री, और अब इसमें मैं जो है वो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास करा रही हूँ 100, और नेक्स्ट मैं ए थ्री के साथ शो का फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब इस केस में आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्योंकि आपने एक इंटीजर वैल्यू पास कराई है तो इट मीन्स कि आपका ये वाला कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें आपने सिर्फ एक इंटीजर आर्गुमेंट लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखें लास्ट वाले के केस में आपका ग्रेड ए एंड मार्क्स 100 हैं जो कि हमने इस वाले कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किए, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती है। आप अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोस्टली हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए।